हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, योर कौशिकी मैम इज बैक टुडे अगेन विद योर सैटरडे एक्टिविटी क्लास। टुडे वी विल डू वॉक स्प्रिंग। सो लेट्स सी चिल्ड्रेन, व्हाट डू वी नीड टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। सी एट फर्स्ट वी नीड पेंसिल टू ड्रॉ अ मार्जिन ओवर द पेज। देखो मैंने जो पेज के ऊपर जो मार्जिन खींचा है, इसके लिए हमको पेंसिल और स्केल चाहिए होगा। और देखो मैंने पेज के बीच में से मैंने मार्जिन खींचा, राइट? मैंने दो मार्जिन खींचा, तो ये जो ब्लैंक एरिया है, हमारा जो एक्टिविटी है वॉक स्प्रिंग, वी विल डू दिस एक्टिविटी ऑन दिस ब्लैंक एरिया, ओके? एंड ऑब्वियसली दिस इज वॉक स्प्रिंग, सो वी नीड कैंडल एंड अ पेन विच रिफिल हैज रन आउट। मतलब एक पेन जिसका इंक खत्म हो चुका है, ओके? लेकिन पेन ही होगा, ओके? पेन ही चाहिए होगा, पेंसिल से नहीं होगा। एंड डू सी चिल्ड्रेन, वी विल डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ पेस्टल कलर। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन हियर टू कलर, वन इज ऑरेंज एंड वन इज येलो। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रेन। सो एट फर्स्ट आप सभी को मैं बोल रही हूँ हमेशा ऐसे लाइन खींचना, ठीक है? और पेज के यहाँ पर और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऐसे करके पेंसिल से लाइन खींच लेना, ठीक है? और ये जो ब्लैंक एरिया है इसमें हमारा एक्टिविटी होगा। सो एट फर्स्ट वी शुड रब दिस कैंडल ऑन द ब्लैंक एरिया, ओके? सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रेन। देखो एकदम अच्छे से ऐसे करके एकदम अच्छे से रब करना, हाँ, पूरा जो ब्लैंक एरिया है अच्छे से रब करना, क्योंकि ये कैंडल को अच्छे से रब करना चाहिए, ठीक है? एकदम पूरा ब्लैंक एरिया में अच्छे से रब करना। सो चिल्ड्रेन देखो मैंने जो ये ब्लैंक एरिया है इसमें पूरा मैंने कैंडल से पूरा फिल अप कर दिया, पूरा एकदम रब होना चाहिए, ओके? अच्छे से कैंडल से पूरा अच्छे से रब करोगे और जो ये वॉक्स का जो पाउडर जैसा निकलेगा इसको ऐसे फेंक दोगे। अभी देखो चिल्ड्रेन, अभी हम जो ऑरेंज वाला कलर है वो हम फिल अप करेंगे, ओके? सो लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑरेंज करेंगे, फिर उसके बाद येलो करेंगे। अच्छे से ऑरेंज को एकदम चारों ओर अच्छे से फिल अप करना। सो सी चिल्ड्रेन, आई हैव फिल अप दिस ब्लैंक एरिया विद दिस ऑरेंज कलर, ओके? अच्छे से एकदम फिल अप करना है, ठीक है? कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। ऑरेंज के बाद येलो कलर से भी हम इसको फिर से कलर करेंगे ऑरेंज के ऊपर, तो जो कलर आएगा ना चिल्ड्रन वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ऑरेंज कलर करने के बाद येलो से पूरा एकदम चारों ओर अच्छे से कलर करना है, ठीक है? थोड़ा प्रेशर देकर कलर करोगे चिल्ड्रन तो कलर जो है वो अच्छे से उभर कर आएगा। ठीक है, हो गया। अभी मैंने बोला था एक अनयूज्ड पेन, मतलब जिसका रिफिल जो है वो रन आउट हो गया है, उस पेन से हम ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ करेंगे क्या, हम रथ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? यहां से स्टार्टिंग करेंगे। देखो ये जो इम्प्रेशन पड़ रहा है ना, इसको ही बोलते हैं वॉक स्प्रिंग। जब करोगे तो ये वाला इम्प्रेशन ही पड़ता है, ठीक है? अभी इसके साइड से हम करेंगे, देखो, ठीक है? इसका ऊपर में जो फ्लैग आता है देखो, ये सफेद करके पूरा इम्प्रेशन पड़ रहा है ना, तो पहले आप वॉक्स को रब करोगे, मतलब कैंडल को रब करोगे, फिर कलर फिल अप करोगे, जो कलर आपको मन चाहे फिर आप ऐसे करके ड्रॉ करोगे। सो चिल्ड्रेन ऐसे करके मैंने ऊपर वाला हिस्सा का ड्रॉ किया है। अगर आप चाहे तो स्केल भी यूज कर सकते हो, हाँ। फिर देखो ये नीचे में करने के लिए फिर से हम ये वाला स्केल से भी आप कर सकते हो, हाँ, मतलब स्केल रखकर आप लाइन जो है वो खींच सकते हो, तो क्या होगा,
स्ट्रेट लाइन होगा। अभी सेम जैसे हम इधर ड्रॉ किए थे वैसे हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। ओके, रथ में कौन कौन रहता है चिल्ड्रेन? जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा, आप सभी रथ तानते हो, ठीक है। ऐसे करके देखो स्केल के हेल्प से अगर आप करोगे तो जो लाइन आएगा वो पूरा स्ट्रेट आएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और लाइन को देखना कि एकदम जितना फ्लोर आप बनाओ, मैं यहाँ पर 3 फ्लोर बना रही हूँ, अगर आप चाहे तो 2 फ्लोर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्केल के हेल्प से करना ताकि जो लाइन आए वो पूरा स्ट्रेट आए। ओके, और ये जो आप फ्लोर का जो बना रहे हो इसको थोड़ा डीप कर देना, ठीक है, थोड़ा वाइट करना, तो क्या होगा जो वाइट जो है, मतलब हमारा जो एकदम पेपर का नॉर्मल है वाइट कलर, वो उभर के आएगा। ठीक है बच्चा, फिर देखो ये नीचे में हम क्या करेंगे, हम चक्का कर देंगे ऐसे करके, जब भी आप करोगे देखोगे ऐसे करके बॉक्स उठकर आएगा, ठीक है। और इसको भी डेकोरेट करना है, ठीक है, मंडे को ही रथ है इसलिए मैंने ये वाला एक्टिविटी आपको लिए दिखाया है। आप सभी पहले जो खाली पेपर होगा, मतलब जो ब्लैंक एरिया व्हाइट एरिया में, पहले ऐसे करके लाइन खींचकर पहले कैंडल को रब करना है, हाँ, फिर आप जो कलर चाहो, मुझे यहाँ पर ऑरेंज और येलो से करना था इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया, ज्यादा अच्छा लगता है। आपको अगर कोई दूसरा कलर पसंद है तो आप उससे भी कर सकते हो। और ऐसे करके सब में एक गेट कर देना, ठीक है। और ये जो चूड़ा है इसको भी अच्छे से डेकोरेट करना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और जब भी करना चिल्ड्रन ये पेन के हेल्प से करना जिसका रिफिल खत्म हो चुका है। ओके, रिफिल जो पेन का खत्म हो चुका है उस पेन के हेल्प से ही करना और कुछ से नहीं। तो देखो चिल्ड्रन ये वाला हमारा रथ का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर आप चाहो तो इस साइड में भी डिजाइन कर सकते हो। तो देखो चिल्ड्रन मैंने पेन से, मतलब जिसका रिफिल खत्म हो चुका है उस पेन से, देखो मैंने ये वाला ऐसे करके डिजाइन बनाया है। आप सब आपका मनपसंद डिजाइन आप बना सकते हो। तो ये हमारा है वर्क्स प्रिंट और हमने क्या बनाया चिल्ड्रन, वी हैव मेड रथ हियर। ओके, so all of you do this video or you can send me the still photo or video. Okay children, bye bye. Thank you for watching the video. To know more about us,
click www.stjavespublicschool.com. If you like our video, then share and subscribe, please. Tata all my friend, I see you again in next video. Bye bye.